हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन में 80 से ज्यादा पुस्तक हैं जो प्रभुपाद ने लिखे हैं और बाद में दूसरे भक्तों ने भी लिखे हैं। तो जो हमारा मेन है वो है प्रभुपाद के बुक्स, जिसका हम वितरण करते हैं। और मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि सिर्फ वितरण नहीं करना है, उसको पढ़ना भी है। कुछ भक्त हैं जो बहुत पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, शास्त्रों को आत्मसात करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कुछ हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। तो जो अनपढ़ हैं उन्हें तो और ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते हैं। जब पढ़ नहीं सकते हैं तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा सुनकर? तो यदि ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता तो प्रभुपाद इतने सारे पुस्तक लिखते नहीं, या कृष्ण चार वेद जो दिए हैं वो देते नहीं। वेद वेद हैं चार, 108 उपनिषद हैं, संहिताएं हैं, रामायण है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, श्रुति स्मृति। तो इतने सारे जो ऋषि मुनियों ने पुस्तक लिखे हैं, ग्रंथ जिन्हें कहते हैं, वो क्यों लिखे हैं? हमारे लिए लिखे हैं ना, मनुष्यों के लिए। तो उसे दो तरीके से हम जान सकते हैं, या तो स्वयं पढ़कर या तो सुनकर। जिन्हें ज्ञान है वो पढ़ते हैं और सुनाते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है या ज्ञान अर्जित करने की क्षमता नहीं है पढ़कर, वो सिर्फ सुनते हैं। तो अगर आपको लगता है कि क्लास अटेंड करना ज़रूरी नहीं है तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा आपको, बताइए। और यदि कोई कहता है कि बस हमें हो गया ज्ञान प्राप्त, प्रभुपाद ने कहा है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो और हम करते हैं, ये सोच गलत है। हरे कृष्णा महामंत्र का जप तो प्रभुपाद ने सबको बोला है। फिर प्रभुपाद या गुरु महाराज पुस्तक वितरण पर इतना प्रेशर क्यों डालते हैं? इतना ज़्यादा पुस्तक वितरण को महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि पुस्तक के द्वारा ही ज्ञान पहुँचेगा किसी व्यक्ति के पास, और जब तक ज्ञान नहीं पहुँचेगा तब तक ये कृष्ण भावना मृत चलेगा नहीं। ये कृष्ण भावना मृत तभी चलेगा जब ये ज्ञान कोने कोने में हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। तो आप सब हमेशा क्लास अटेंड करिए, क्योंकि क्लास अटेंड किए बिना पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है प्रभुपाद के बुक्स में, क्या लिखा है श्रीमद् भागवतम में, क्या लिखा है वेदों में, पुराणों में। हमें वेद और पुराण तो पढ़ने के अवसर नहीं मिलते हैं, तो प्रभुपाद ने या परंपरा के आचार्यों ने जो पुस्तक लिखे हैं उसमें से जितना हम पढ़ सकते हैं उतना तो हमें करना चाहिए, और जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको सुनना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है छोटा सा, कि पुस्तक पढ़ना और प्रवचन सुनना यही दो तरीका है जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और ये दोनों तरीके में से जो आप अपना सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो सिर्फ सुनकर जान सकते हैं। तो हर क्लास को अटेंड करिए, सुनने की कोशिश करिए, नहीं तो अज्ञानता आगे बढ़ने नहीं देगी। अज्ञानता होने से सारे अपराध होते हैं, अज्ञानता होने से ही हम इस भवसागर में फंसे हुए हैं, अज्ञानता के कारण ही। अज्ञानता जब दूर हो जाएगा तो सब प्रकाश हर जगह दिखेगा हमें, प्रकाश प्रकाश, और जितने कल्मश हैं वो सब भी नष्ट हो जाएंगे। सब कुछ का जो जड़ है वो है अज्ञानता। तो इस अज्ञानता को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है क्लास अटेंड करना, घर में अध्ययन करना।
तो जो पढ़े लिखे हैं वो दोनों कार्य करिए, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्लास ज़रूर अटेंड करिए, लेक्चर अवश्य सुनिए, वीडियो पर, ऑडियो पर, जहाँ भी जितना संभव है उतना। तो हरे कृष्ण महामंत्र कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र भी तभी कर पाएंगे जब आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा। हरि बोल।